ओके क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से मज़े कर रहे हैं, ठीक है, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और स्टडीज़ भी। देखिए, बिना लाइफ एंजॉय करे स्टडीज़ करना या सिर्फ लाइफ एंजॉय करना स्टडीज़ ना करना, दोनों इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ठीक है। चलिए, तो आज हम क्या करने वाले हैं, अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्या हमारा टाइम। तो जब भी हम टाइम की बात करते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ लाइफ भी क्या है, हमारा टाइम है। क्योंकि विदाउट टाइम हम कुछ नहीं करते, ठीक है। और आपने बहुत बार सुना भी होगा कि समय से पहले आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, तो बट वो एक अच्छी बात है, ठीक है। जब आपका टाइम अच्छा चलता है तो सारी चीज़ें अच्छी होती है। अब ये थोड़ा इलॉजिकल साउंड करता है, बट इट वर्क, ठीक है। तो चलिए, तो हम अब आते हैं ओरिजिनल टाइम फ्रेम पर, जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आप कितने बजे उठोगे, कितने बजे आप कहीं पर जाना है या स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, आपका डिनर का टाइमिंग, लंच का टाइमिंग, प्ले ग्राउंड में खेलने का टाइमिंग, कितना टाइम हम वहाँ पर स्पेंड करेंगे, सारा कहाँ से होता है हमारा टाइमिंग से, ठीक है। अभी के लिए क्या है हमारे पास, जो अभी टाइम अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं फोन्स में या डिजिटल क्लॉक्स में, ठीक है। आपके घर में एनालॉग क्लॉक्स होंगी, एनालॉग का मतलब होता है उसमें से नीडल्स होते हैं, ठीक है। अभी क्या कि हम डिजिटल क्लॉक्स पहन रहे हैं या देख रहे हैं, तो उसमें एग्जैक्ट टाइम लिखा होता है 5:45, 5:50। बट पहले के टाइम पे डिजिटल क्लॉक्स नहीं हुआ करती थी, हमारे पास सिर्फ होती थी एनालॉग क्लॉक्स। तो आप इसमें क्या करते थे, हम इसमें थोड़ा सा देखते थे कि हमारे पास कुछ नीडल्स होती हैं। अगर हम नीडल की बात करें, तो यहाँ पे आपको जो शॉर्ट हैंड दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते थे आर हैंड, ठीक है। और अगर जो आपको लॉन्ग हैंड दिखाई दे रहा है वो होता था हमारा मिनट हैंड, ठीक है। अगर हम आर हैंड को मूव करने बात करें, ये 3 से 4 पे गए, तो ये कितना कवर करते हैं, 1 आवर, ठीक है, एक नंबर कवर करने पर, ठीक है। लेकिन जब हम मिनट हैंड की बात करते हैं, तो 12 से 1 पे जाएगा, तो कितना कैरी करेगा, 5। अगर 1 से 2 तक जाएगा, ठीक है, 12 से 2 तक, तो कितना हो गया, 1, 2 नंबर्स करें, तो ये 5 के मल्टीपल्स में चलता है, ठीक है। तो 1 पे कितनी मिनट्स होगी, 5 मिनट, 2 पे कितनी होगी, 10, 3 पे कितनी मिनट्स हो जाएंगी, 15। तो इस टाइप से क्या होती है, ये सारी फिगर्स चलती हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो आर हैंड होता है, ठीक है, तो रिप्रेजेंट करते हैं 12 आवर्स को, ठीक है, अगर हम क्लॉक की बात करें। और जो मिनट हैंड होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास टोटल 60 मिनट्स को। इसलिए 1 मिनट, जैसे वो 1 पे मूव करता है तो कितना कैरी करता है, 5। तो अगर मैं आपसे कोई पूछेगी, अगर मिनट हैंड कहाँ पर है, 9 पर है, तो कितनी मिनट्स हो गई, तो आप क्या बोलोगे, सर इट्स 45 मिनट्स, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे आता है, हाउ डू यू रीड द क्लॉक, क्लॉक को रीड कैसे करेंगे। अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पर टाइम दे रखा है, अब देखिए ये कितना हो चुका है, 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं कि 10:30 पहले हो चुके थे, 30 और हो गए, तो उसको बोलेंगे 10:30, कि मतलब आपने क्या करा, 10:30 जो हमारा बीता हुआ हाफ टाइम था वो ख़त्म हो गया 10 o'clock के बाद, ठीक है। अगर मान लीजिए 30 पर, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखें, अगर देखिए कोई भी शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए एक नंबर पे और एक 12 पर है, लॉन्ग हैंड 12 पर होना चाहिए, तो वो होता है 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, ठीक है। अगर यहाँ पे कहाँ पर आ रहा है, 30 पर आ रहा है, तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम 30 मिनट्स का, तो वो हो जाता है 10:30, ठीक है, कि आधा टाइम आप ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 5 है, 4 पूरे हो चुके हैं, 5 को पूरा होने में कितना मिनट्स हैं, 5 मिनट्स हैं, तो आज आप बोल सकते हैं 55 past 4, ठीक है, मतलब 54 के बाद 55 मिनट्स को पास्ट में कर चुके हो, ठीक है, पास्ट में बिता चुके हो, स्पेंड कर चुके हो। लेकिन आप ये भी बोल सकते हो, तो 5 minutes to 5 कि 5 मिनट बचे हैं। जब भी आपको पास में जाना होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 55 ना करके आप ये कर सकते हैं 5 minutes to 5, क्योंकि तो जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। 55 मिनट्स आप बिता चुके हैं या 5 मिनट बचे हैं, तो ये डिफरेंस सही होता है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ आते हैं 2:00, ठीक है। अगर देखिए हम यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम 7 o'clock हो रहे हैं, तो 7 o'clock को ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7:00, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 से ऊपर निडल है और 6 पर, तो 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे क्या देते हैं, 8:30, ठीक है। और टाइम क्या आ जाएगा,
एट ठीक है चलिए। अब देखिए इसे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कितना आ गया 50, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 9:15। अब 15 को कैसे लिखेंगे, 15 मिनट्स पास्ट 9, यहाँ जाएगा 15 मिनट्स पास्ट 9 ठीक है। तो आप इस टाइप से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं टाइम पे। ओके ये तो ख़त्म हो गया। चलिए आई होप आपको टाइम देखना क्लियर हो गया होगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है, बस इनकी प्रैक्टिस करनी है एंड दैट्स इट। चलिए थैंक यू सो मच।